तो व्यूवर्स आपको एक चीज़ और दिखाने आया हूँ। देखिए ये मेट्रिक स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ और मतलब अब इसका व्यू देखिए कितना सुंदर है। बिल्कुल आपको ये सिंगापुर का जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंगापुर स्विट्ज़रलैंड की तरफ में आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है, अभी देख सकते हैं और इसका मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि अभी आके इसका मज़ा ले सकते हैं। तो ये स्टेशन के मतलब उस डाइना तरफ से मैं खड़ा हूँ, तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए सूरज, ये स्टेशन एक तरफ पे स्टेशन के पटरी है और उस तरफ से मतलब डूबता हुआ सूरज आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना मस्त नज़ारा है ना। तो व्यूअर्स अब भी देखिए ये नज़ारा कैसा है, ये मतलब स्टेशन के ये स्टेशन है और उस तरफ से आपको ये डूबता हुआ सूरज आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसका मतलब ये सूरज का साथ में आप ये भी मज़ा लीजिए, जैसे ये खेत खलिहान का भी मज़ा लीजिए और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और स्टेशन का भी मज़ा आप ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे जाके ये स्टेशन का अंदर से आपको एक वीडियो करके और दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके जाके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए आपको इस तरफ से भी आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही सुंदर है। आदमी लोग सोचेगा कि ये स्टेशन का वीडियो दिखा के क्या साबित करना चाहता है, कि मैं यही बोल रहा हूँ कि इसका मतलब पहाड़ के सामने में है, मतलब एक तरफ से आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा और एक तरफ से आपको स्टेशन और एक तरफ से आपको खेत खलिहान भी है। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना सुंदर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब मैं ठीक मैं स्टेशन के बीच में हूँ, तो इधर भी आप देख सकते हैं स्टेशन के अंदर में। तो देखिए, तो आपको एक चीज़ और दिखाते हैं, जो मतलब रेलवे पट्टी से जो उतरने वाला जो रास्ता है, देखिए आप देख सकते हैं ये बाहर से उतरने वाला है। तो ये डायरेक्ट स्टेशन आप देख सकते हैं, मैं स्टेशन के अंदर पे हूँ। तो आपको स्टेशन का इस पार से आपको उस पार का भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मतलब बहुत ही क्लीन है और बहुत ही सुंदर है। आपको उस तरफ से ये दिखा रहा हूँ कि मतलब जैसे अभी इस पार में जो मतलब स्टेशन के सामने में जो आपको ये पहाड़ दिखाई दे रहा है, उस तरफ में मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम भी चालू आप दिखाई दे रहा होगा। तो नज़ारा देख सकते हैं, इसका व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। और आपको उस पार में आपको जाने से आपको कुइमा का नज़ारा दिखाई देगा, मतलब इससे कुछ ही दूरी में आपको कुइमा दिखाई देगा। तो ये स्टेशन के ठीक उस साइड में देखिए आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा और ये चाँद भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हम स्टेशन पे आए थे, हमको बहुत कुछ दिखाई दिया, सूरज भी दिखाई दिया, चाँद भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए आपको तो ये दिखा दिए, अभी चलिए आपको इस पार से आपको कुछ और दिखाते हैं। देखिए कुछ रेड सिग्नल जलाए हुए हैं और आपको पहाड़ भी दिखाई दे रहा होगा। मुझे तो बहुत मस्त लगा, बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मेरे व्यूअर्स को मैं बार बार घुमा फिरा के दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये मैं स्टेशन का इस पार आ चुका हूँ, मैं पहले उस पार से आपको दिखाया था तो अभी आपको इस पार से दिखा रहा हूँ। चलिए मैं उस तरफ से एंट्री किया था, अभी इस तरह से मैं आया हूँ। तो अभी देखिए यहाँ का व्यू देखिए बहुत सुंदर है, तो आपको भी अच्छा लगा होगा। तो व्यूअर्स मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको ये वीडियो मेरा मेहनत करना आपको कैसा लगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे लाइक में शेयर में बताना, शेयर करना अपने दोस्तों को और मेरा वीडियो को आगे बढ़ाना और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करके
उसको मतलब आगे बढ़ा देना। नोटिफिकेशन ऑन करने से आपको ऐसा बहुत सारा अपडेट आपको देखने को मिलेगा, और मतलब मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करने से मेरा दिल और मतलब आगे बढ़ेगा कि आप लोग को अच्छा अच्छा कुछ व्यू दिखाऊँ बोल के। तो मैं यही मैं समाप्त करते हुए आपको मतलब ज़्यादा टाइम लेते हुए मतलब आपको यही ख़त्म कर रहा हूँ। तो व्यूवर्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और सकोबी स्टेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मतलब नहीं देखे होंगे, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। तो व्यूवर्स, मेरा बातों पे अगर कुछ बुरा गलत में कुछ कहा होगा तो मुझे माफ़ करना, और ये सकोबी स्टेशन आपको देख के कैसा लगा लाइक शेयर करना। थैंक यू।